कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। क्या में जा रहे हैं? लाइटलूम कैनियन ना। इधर मोबाइल है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। नेट चल रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना। मेरा ऐप में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मेरा फूल गया ऐप। ठीक हो जाएगा ना? दवा इतने ले रहा हूं मैं। गाइस, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये बैक साइड, ये एरिया, इस एरिया में रॉकन टू मूवी का शूट किया गया था। अगर आपने वो फिल्म देखा है तो ये सिनारी भी आप ज़रूर देखेंगे। इस जगह में आप ज़रूर आएगा, आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा देखने के लिए। तो मैं ना, भैया और भाभी देखिए कितना फास्ट जा रहे हैं, वो लोग बहुत आगे हुए पीछे हूँ क्योंकि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो है कॉन्गलुक बैठे हुए हैं, ये देखिए कॉन्गलुक बैठे हुए हैं, डिग्री कर रहे हैं सब कुछ, तो बहुत फुर्ती करते हैं। यहाँ का ना एक ना सिंप्लिसिटी आपको मेघालय में होगा ना, आदमी लोग जो होता है ना बहुत स्मार्ट होता है। और जैसे मैंने कहा हाय बोलने के लिए, कितना अच्छे से हाय किया है, वो लोग बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट होते हैं। इनके साथ ना, हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं वो तो है, बहुत। यहाँ में इतने ठंड में भी ना बहुत, मतलब ये लोग दुकान वगैरह लगा लेते हैं, फैसिलिटी बहुत देते हैं हम पब्लिक के लिए। जो टूरिस्ट आते हैं ना उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हर चीज़ खाने को भी मिलेगा, इंजॉय करने को भी मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट। तो 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. 시간은 계속 흘러만 가고, 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. तो दोस्तों, यहाँ पर हम सब मिलके बहुत ज़्यादा फ़ोटो ले रहे थे। और ना ये जो माउंटेन है ना, इसके नीचे ना विलेज है, एक गांव है। तो हम वही बात कर रहे थे कि ये गांव में लोग कैसे मतलब कि है जो सामान लेके जाते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो सब बात कर रहे थे। तो जो मेरा भैया है वो थोड़ा सा स्टोरी बता रहे थे, क्योंकि वो हमेशा इस जगह में ट्रिप में आते रहते हैं, तो कस्टमर के साथ भी आते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है यहाँ के बारे में। तो ये देखिए स्नेहा वहाँ पर अपना रील्स बना रही है, और यहाँ से राजीव ने ये वीडियो लिया था। तो यहाँ पर हम सब इन्जॉय कर रहे थे, तो राजीव भी मुझे बोल रहा था कि आप थोड़ा सा बात कर लो यहाँ पर मुझे ऐसा वक्त नहीं मिला कि मैं बात कर पाऊँ। तो राजीव ने सारा जो जितना भी जगह था ना, सारा कैप्चर किया यहाँ पर आप सबको वीडियो में दिखाने के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ में, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और साथ में यहाँ पर जो है स्नेहा गुल्लू बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। तो स्नेहा को ज़्यादा इस वीडियो में आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो अपना रील्स बना रही है वहाँ। गुल्लू के आँखों में स्वेलिंग होने के कारण ना वो थोड़ा सा अनवेल फील कर रहा था, तो थोड़ा सा बैठ रहा था, थोड़ा सा इन्जॉय कर रहा था, और मैं उसे बार बार बुला रही थी, तो इसी तरह से हमने इन्जॉय किया। और आप सोच रहे होंगे मेरी मम्मी नहीं है यहाँ पर। हाँ, मम्मी जो है ये पोर्शन पर नहीं आई है, मम्मी थोड़े इस ये जगह से थोड़े पहले ही वो बैठी हुई है, क्योंकि उनको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होता है, तो उनका पैर जो है एकदम दर्द हो जाता है, तो यहाँ पर गाड़ी अलाउ नहीं है, तो मम्मी थोड़ा आगे में बैठी हुई है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेड टी वगैरह खाने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए। और फिर यहाँ से निकलने के बाद भैया ने दूसरा जगह लेके गया जो काफ़ी खूबसूरत है, तो वहाँ का जो रास्ता का थोड़ा सा सीनारी था वो सब आपको दिखाया।
हम यहाँ पर आए हैं, ये जो घर आपको दिख रहा है ये घर जो है ना ये बहुत पुराना घर है, और कहा जाता है कि जो यहाँ का जो खासी राजा है उनका घर है पहला, ये वो यहाँ पर ही रहते थे। तो इसके बारे में मुझे इतना डिटेल्स में पता नहीं है, पर यहाँ पर हम आए और हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लिया, थोड़ा सा इंजॉय किया। यहाँ पर हम यहाँ पर वन एंड हाफ एन आवर यहाँ पर ही थे हम सब। तो ये जो ट्री है ना ये सब एकदम क्रिसमस ट्री, बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें जब क्रिसमस में सजाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमने फ़ोटो वगैरह लेके यहाँ से निकल गए, और उसके बाद हम यहाँ से पिकनिक स्पॉट में गए। तो वो वाला वीडियो आपको पार्ट टू में मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बोरिंग करना नहीं चाहूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ मैं। तो आपको पार्ट टू में वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमने फिर से थोड़ा सा घूमा, घूम फिर के फिर हमने पिकनिक स्पॉट में गया जहाँ पर स्वीट फॉल है, वो वाला वीडियो आपको पार्ट टू में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने छोटा सा जो ट्रिप है आपके साथ शेयर किया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार देख रहे हो ना प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो मैं अपने डेली लाइफ में शेयर करती हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं पार्ट टू में, मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट टू वीडियो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, ताकि पार्ट टू में पार्ट टू का जो वीडियो पिकनिक वाला वीडियो है वो आपको मिल जाए। तो इसके कारण आपको करना है क्या, आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है ऑल के साथ, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट कीजिए कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम पार्ट टू पिकनिक वीडियो में, बाय बाय।